नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल एक दुर्घटना में बुरी तरह चोटिल हो गए। गुजरात में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें चेहरे पर गंभीर चोटें लगी। विक्की कौशल एक एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग कर रहे थे जब उन्हें ये चोट लगी। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने इस बात की जानकारी अपने वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके दी। तरण ने बताया कि भानु प्रताप सिंह के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की शूटिंग के दौरान विक्की के चेहरे पर चोट लगी है और उन्हें 13 टाके आए। खबर है कि विक्की कौशल एक एक्शन सीक्वेंस शूट कर रहे थे जब उन पर एक दरवाजा गिर पड़ा। उनके चेहरे की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। जानकारी के मुताबिक घटना 18 अप्रैल की है जो कि अब सामने आई है। भानु प्रताप की हॉरर फिल्म जिसके लिए विक्की शूटिंग कर रहे हैं एक जहाज के बारे में जो कि समंदर किनारे खड़ा रहता है। खबरों के मुताबिक फिल्म की कास्ट और क्रू पिछले 5 दिनों से गुजरात के शिप ब्रेकिंग यार्ड में शूटिंग कर रही थी। बता दें कि गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। खबरों के मुताबिक विक्की कौशल को एक सीन शूट करना था जिसमें उन्हें दौड़कर एक दरवाजे को खोलना था। तकनीकी गड़बड़ी के चलते यह दरवाजा विक्की कौशल पर ही गिर पड़ा। विक्की कौशल को दुर्घटना के ठीक बाद एक लोकल अस्पताल में दिखाया गया जिसके बाद उन्हें हवाई माध्यम से मुंबई लाया गया। फिलहाल मुंबई में विक्की का इलाज चल रहा है। चोट की गंभीरता और उनके चेहरे के ठीक होने की कितनी संभावना है इस बारे में अभी तक कोई खबर नहीं आई। आपको बता दें उरी द सर्जिकल स्ट्राइक विक्की कौशल के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई भी की थी। इसी तरह की न्यूज अपडेट्स में बने रहने के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।